आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की बिल्कुल नई रेसिपी, जिसके लिए हम दो केला लिए हैं। केले को अच्छे से धो लिए हैं, इसको काट कर छील लेंगे। केले को इस तरह से छील लिए हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ऐसे मोटा-मोटा काट देंगे। ताजी मलाई लिए हैं, दो चम्मच इसमें मलाई डालेंगे। बिल्कुल ताजी मलाई है और इसको अच्छे से पीस लेंगे। केला को हम पीस लिए हैं, अब एक बाउल में इसको निकाल लेंगे। इसमें हम दो चम्मच मैदा डालेंगे। इसमें दो चम्मच कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसी तरह गाढ़ा होना चाहिए। देखिए हमारा पेस्ट कितना हल्का हो चुका है, ऐसा ही पेस्ट होना चाहिए। अब हम एक प्लेट में तेल लगा लिए हैं, अब हम इसमें इसको डाल देंगे। इसमें इसको अच्छे से फैला देंगे। अब हम एक कढ़ाई लिए हैं, इसमें एक कटोरा डालेंगे। इसमें हम दो प्याज डालेंगे और छोटे छोटे दो टमाटर डालेंगे। एक छोटा टमाटर और डालेंगे। इसमें एक लाल मिर्ची डालेंगे, अदरक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, दो छोटी इलायची, लौंग और थोड़ा सा दालचीनी डालेंगे। इसमें पानी डालेंगे। और इसमें भी
पानी डालेंगे। और इसको उबलने देंगे। पानी में एक उबाल आ जाएगा तो उस ये बैटर को डालेंगे। अभी हमारा ये उबलने लगा है, अब हम इसमें इसको रख देंगे। इसको ढक देंगे और 4-5 मिनट तक इसको पकने देंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है, अब हम देखते हैं कितना पका है। अभी ये अच्छे से नहीं पका है, ये भी अच्छे से नहीं पका है। 2-3 मिनट और लगेगा, इसलिए हम इसको और ढककर 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। 2-3 मिनट और हो गया है, अब हम देखते हैं कैसा पका है। अब ये हमारा अच्छे से पक चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसको हम निकाल लिए हैं, अभी हम इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम इस टमाटर प्याज को पीस लेंगे। अब हम एक पैन लिए हैं, पैन में 1 चम्मच तेल लिए हैं। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे फौरन के लिए। इसमें थोड़ा सा हरा मिर्च भी 1 डालेंगे। मिर्ची और जीरा को पकने देंगे। मिर्ची और जीरा पक गया है, अब हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। और इसको फ्राई होने देंगे। इसको फ्राई होने देंगे, तब तक हम थोड़ा बादाम लिए हैं, इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इसका पानी सूख गया है, अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। एक चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसमें कलर के लिए 1 चम्मच कस्तूरी 1 चम्मच कस्तूरी मिर्च डालेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक
मसाला फ्राई होता है तब तक इसको काट लेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको इस तरह से काट लेंगे। देखिए इस तरह से काट लेंगे, जो बड़ा रह गया उसको छोटा कर लेंगे। देखिए अभी हमारा मसाला एकदम फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें वो बादाम का पेस्ट डाल देंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसको पानी डालकर इसको निकाल लेंगे। दो मिनट तक मसाले को ढककर पकने देंगे। देखिए हमारा ये कट कर कितना अच्छा तैयार हो गया है, एकदम स्पंजी है, बिल्कुल नया तरीके का। दो मिनट हो गया है, अब हम इस मसाले को देखते हैं। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें इसको डाल देंगे। और इसको ढक कर दो तीन मिनट तक पकने देंगे। तीन चार मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं कैसा बना है। देखिए अब हमारा केले का सब्जी तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। देखिए ग्रेवी वाला केले का सब्जी तैयार हो चुका है। अब हम इसको किसी के साथ खा सकते हैं, चावल रोटी पराठा किसी भी चीज़
चीज के साथ इसको खा सकते हैं।